हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस एन फूड। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम हेल्दी पुलाव बनाएंगे। ये रेसिपी गाइस डाइट वाले भी इजीली खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है, जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हों, सबके लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी है। तो गाइस, कढ़ाई में सबसे पहले तेल डाल लेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो भी आप ऑयल खाते हो वो आप डालें, ऑलिव ऑयल या कोई सा भी ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है गाइज। अब मैं 1 छोटी चम्मच जीरा डाल लूँगी। आप चाहें तो सारे खड़े गर्म मसाले डाल सकते हैं। जीरा को तड़क जाने देंगे। जीरा तड़क चुका है गाइज, अब प्याज डाल लेंगे। तो ये एक बड़े साइज का प्याज ले लिया है, मिक्स करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए गाइस, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है। अब गाइस, मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी, इसको बारीक काट लिया है। सब्जियाँ में गाइस आप पत्ता गोभी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, अपने पसंद का कोई सा भी सब्जी, बीन्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। अब इसमें टमाटर डाल लेंगे। ये एक टमाटर लिया है, इसको भी छोटा छोटा ही काटा है। मिक्स करेंगे। अब गाइस, इसमें 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो अदरक लहसुन को घिस के भी डाल सकते हैं स्टार्टिंग में। मिक्स करेंगे। अब गाइस, इसमें मैं ये सोयाबीन डाल रही हूँ, ये छोटे वाले हैं, न्यूट्रेला भी बोल सकते हैं। इसको मैंने 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। मिक्स करेंगे। अब गाइस, हम इसमें मसाले डाल लेंगे। पहले सबसे पहले मैं 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डालें। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे और 1/2 छोटी चम्मच ही गरम मसाला डालेंगे। 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डाल लेंगे। इसमें गाइस मैं ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, बस उतना ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर ये सब डाल सकते हैं, या इस मसालों में भी कुछ कम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। कलर अच्छा है इसके लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे। अब गाइस, इसमें पनीर डाल लेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें आप ना डालना चाहें तो ना डालें, बट ये सब हेल्दी चीज़ें हैं, डाइट वाले लोग भी खाते हैं, प्रोटीन अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। तो ये प्रोटीन वाला लंच बोल सकते हैं आप इसे। मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, अच्छे से मिक्स कर दिया है गाइस। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। अब गाइस, इसमें राइस डाल लेंगे। तो राइस ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। अब गाइस, इसे हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए गाइस, राइस को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 2 मिनट रखेंगे, फिर इसे उतार लेंगे। इसमें आप धनिया की कुछ पत्तियां भी डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस, राइस हमारा रेडी हो गया है। पुलाव हमारा हेल्दी पुलाव बनके एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। इसे गाइस मैंने तो नॉर्मल राइस में बनाया है, आप चाहें तो बासमती राइस में बना सकते हैं, या फिर अगर आप ब्राउन राइस खाते हैं तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। वेजीज आप अपने हिसाब से मैंने बताया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ डालना चाहें, कॉर्न, मशरूम, ब्रोकली, तो आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। मसाले भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हैं। बट गाइज, एक बार ये रेसिपी ऐसे बना के देखिएगा। आप चाहें तो पनीर को एंड सोयाबीन को आप स्टार्टिंग में फ्राई कर सकते हैं, बट उसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने हेल्दियर वर्जन बनाया तो मैंने वैसे नहीं बनाया है, बट आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। शिमला मिर्च भी आप कलरफुल और डाल सकते हैं, रेड और येलो वाले भी। तो ये रेसिपी एक बार बना के देखिएगा। इसको बनने में टाइम नहीं लगता है। आप चावल बना के रख देंगे अगर तो ये फटाफट बन जाता है, या फिर आप इसमें चावल डाल के पका भी सकते हैं पानी डाल के, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसे आप लंच, डिनर कभी भी खा सकते हैं। इसको आप दही के साथ खा सकते हैं।
तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।